पाक कप्तान सरफराज अहमद का विवादों से पुराना नाता रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान सरफराज का नाम एक और विवाद से जुड़ गया। डरबन में मंगलवार को पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए दूसरे वनडे के दौरान सरफराज ने ऐसी टिप्पणी की कि अब हर कोई उनकी आलोचना कर रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर सरफराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सरफराज द अफ्रीकी प्लेयर एंडिल फेहलुकवायो को काला कह रहे हैं। दरअसल उनकी यह टिप्पणी स्टंप्स में लगे कैमरे में कैद हो गई थी। सरफराज के इस कमेंट ने क्रिकेट जगत में हंगामा मचा कर रख दिया है। मैन ऑफ द मैच रहे फेहलुकवायो ने 69 रन की नाबाद पारी खेली और 4 विकेट भी लिए। मैच के 37वें ओवर में जब फेहलुकवायो बल्लेबाजी कर रहे थे, तब सरफराज ने कहा, अब ए काले, तेरी अम्मी आज कहाँ बैठी है? क्या पढ़वा के आया है? आज इस मैच में पाक टीम ने 203 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट पर 207 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। इस दौरान पूर्व पाक खिलाड़ी रमीज राजा कमेंट्री कर रहे थे। जब दूसरे कमेंटेटर माइक हेजमैन ने उनसे इसका अनुवाद करने को कहा तो रमीज ने कहा, इन शब्दों को ट्रांसलेट करना काफी मुश्किल है। बता दें कि इससे पहले भी सरफराज कई बार इस तरह की शर्मनाक हरकतें कर चुके हैं। आए दिन वह सरेआम अपनी ही टीम के खिलाड़ियों को गाली देकर बुलाते हैं।